मैं आपको बताऊं, IAS, RAS, RPS, IPS, IFS, जितने भी एग्जाम हैं अखिल भारतीय सेवाओं के, और ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, इससे ज्यादा तनख्वाह, हम ईमानदारी की बात करेंगे, इससे ज्यादा तनख्वाह एक मजिस्ट्रेट को मिलती है। किसको मिलती है? मजिस्ट्रेट को। IAS से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, सिर्फ तनख्वाह की बात करें तो। अब देखो, जो सुविधाएं उनको नहीं मिलती वो इनको क्या क्या मिलती है। आप सब लोग जानते हैं कि 10:30 से 4:30 बजे तक की जॉब है, डायस पे बैठने का यही टाइम है, आधा घंटे का उसमें ब्रेक है, वो ब्रेक करीब करीब एक घंटा चलता है जैसे लंच गए, तो एक तरह से 5:30 घंटे की जॉब है। 5:30 घंटे की जॉब में IAS से भी ज्यादा तनख्वाह देने वाली इस देश में कोई जॉब नहीं है। किसी भी जॉब में आपको ये व्यवस्था नहीं है कि आपके कार की जो पेट्रोल या डीजल है वो सरकार देगी। चलाओ आप कितना चलाना चाहते हो, 125 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, किसी को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। 1.5 लाख रुपए मिल जाते हैं डिस्टरबेंस अलाउंस के, कि भाई आपका ट्रांसफर इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ है, इसलिए इसलिए क्योंकि आपका सामान टूट फूट गया होगा, आपको परेशानी हुई, ये मिलना। इसके अलावा सारे न्यूज़पेपर फ्री, सारा नेट फ्री, इसके अलावा माता पिता, पत्नी बच्चे, या माता पिता और हस्बैंड और बच्चे, इन सब की मेडिकल फैसिलिटी, चाहे आपके 1 करोड़ रुपए भी लगे, कितनी भी दुविधा आ जाए, कौन देता है? सब हाईकोर्ट देता है। इतनी सुविधाएं हैं, या सुविधाएं गिनाने बैठे तो और बहुत सारी सुविधाएं हैं, टाइम लगेगा, सत्कार भत्ता ये वो, आपके घर का कोई चाय पीने भी आता है तो उसके भी पैसे मिलते हैं, आपका ड्रेस अलाउंस मिलता है वो भी मिलता है। पता है मैं ये क्यों बता रहा हूं, कि यदि आपके अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो प्लीज इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन योर माइंड, अदरवाइज यू कांट गेट दिस जॉब। क्यों? क्योंकि पहले ये मन होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, तो जिन जिन के मन हुआ वो जरूर सफल हुए।